Good morning, dear student. Today we will read a new lesson. The title of the lesson is Tansen. This lesson is taken from class 6th book. In this lesson, there is a story about a great musician, Tansen, who was an only son of Mukundan Misra and became a very famous musician. Now let us read the story and know much more about the famous musician, Tansen. तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. तानसेन अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था. नॉटी बट टैलेंटेड, थोड़ा शरारती था लेकिन बहुत ही होशियार था. ही इमिटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली. वह किसी भी पक्षी की और जानवर की आवाज़ की खूब हो नकल कर लिया करता था. वंस ही ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाई रोरिंग लाइक अ टाइगर. एक बार ऐसे ही उसने एक जो यात्रियों का समूह था उस समूह को एक टाइगर की आवाज़ निकाल करके भयभीत करने की कोशिश की थी. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन. आपने तानसेन का नाम तो जरूर ही सुना होगा. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, वो महान संगीतकार जिसे हमारी देश ने पैदा किया. ए सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहद नियर ग्वालियर. एक सिंगर, एक गायक जिनका नाम मुकंदन मिश्र था और उनकी वाइफ बेहद जो विलेज जो ग्वालियर में पड़ता है वहाँ रहा करते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका एक अकेला पुत्र था. इट इज़ सैड दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड. ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत ही शरारती बच्चा था बचपन में. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. प्रायः वह खेलने के लिए जंगल में भाग जाया करता था. एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और वहाँ जाकर के सीख ही उसने पक्षियों की और जानवरों की नकल निकालना शुरू कर दिया था. उनकी आवाज़ को वो इमिटेट कर लिया करता था, उनकी नकल कर लिया करता था. अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विथ हिज डिसाइपल्स. एक उस जमाने के प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम स्वामी हरिदास था, वो भी उस समय जंगल में अपने शिष्यों के साथ में जंगल से गुजर रहे थे. टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ सैडी ग्रोव. क्योंकि यात्रा करने से पूरा का पूरा ग्रुप, पूरा समूह काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो उन्होंने एक पेड़ों के झुरमुट के नीचे विश्राम करने का सोचा. ग्रोव मीन्स झुरमुट, पेड़ों का जो समूह होता है उसे इंग्लिश में ग्रोव कहते हैं. तानसेन सॉ देम. तानसेन ने उन्हें देख लिया. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में अजनबी. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. उनको भयभीत करने में बड़ा मज़ा आएगा. फ्राइटन मीन्स डराने में, भयभीत करने में. ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. उसने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया और एक शेर की तरीके से उसने गुजारना शुरू कर दिया. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. जो छोटा सा उन यात्रियों का ग्रुप था अचानक से डर के मारे, भय के मारे स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया. लेकिन स्वामी हरिदास ने उनको दोबारा बुलाया और कहा, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत. ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. टाइगर हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं. लेट अस लुक फॉर दिस वन, पहले इसको हमें एक बार देख लेना चाहिए. सडनली वन ऑफ हिज मैन सा स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. अचानक से उनमें से एक व्यक्ति ने उस बच्चे को जो कि पेड़ के पीछे छिपा हुआ था देख लिया. दे आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय. यहाँ कोई टाइगर नहीं है मेरे मालिक, यहाँ एक यही बच्चा है, यह शरारती बच्चा जो कि इस पेड़ के पीछे छिपा था. तानसेन लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स. तानसेन ने स्वामी हरिदास से लगातार 11 वर्षों तक म्यूजिक की शिक्षा ली. ही स्टेड विथ अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष. वह मोहम्मद घोष नामक जो पवित्र व्यक्ति थे उनके साथ भी रहे. ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी. उन्होंने हुसैनी नाम की महिला के साथ शादी की जो कि रानी मृगनैनी के दरबार में रहा करती थी. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने उस बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं दिया, कोई सजा नहीं दी. ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सैड. जबकि इसके बजाय वो तानसेन के फादर के पास में गए और बोले, योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका जो बच्चा है बहुत ही शरारती है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन इसके साथ साथ वह बहुत ही होशियार भी है. आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर. मैं सोचता हूँ कि मैं इसे बहुत अच्छा संगीतकार बना सकता हूँ, बहुत अच्छा गायक कलाकार बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड वैन ही वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास. तानसेन उस समय 10 साल के थे जब वे स्वामी हरिदास के साथ गए.
ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 ईयर्स. वे लगातार 11 वर्षों तक उनके साथ रहे, लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर. उन्होंने वहाँ म्यूजिक सीखा और एक महान गायक बने. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड. इस समय तक उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी. मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर. मुकंदन मिश्रा की अंतिम इच्छा यह थी कि तानसेन जो है मोहम्मद घोष जो कि ग्वालियर में रहते थे उनके पास जाएं, उनसे मिलें. मोहम्मद घोष वाज ए होली मैन. मोहम्मद घोष एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति थे. मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम. मुकंदन मिश्रा उनके भक्त रहे थे और प्रायः उनके पास उनसे मिलने के लिए जाया करते थे. वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद घोष तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ. जब मोहम्मद घोष के साथ तानसेन रह रहे थे उस समय तानसेन को प्रायः मौका मिल जाता था रानी मृगनयनी के दरबार में जाने का, जो स्वयं अपने आप में एक महान संगीतकार थी. देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट. वहाँ उनकी मुलाकात उस दरबार में रहने वाली एक महिला से हुई जिसका नाम था हरनेमवास हुसैनी, जिसका नाम हुसैनी था, जिससे उनकी शादी हुई. हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल. हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई. तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल. तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो कि सब के सब बहुत अच्छे म्यूजिकल थे, बहुत अच्छे संगीतकार थे. तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस. तानसेन इस समय तक काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे. समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर. कभी कभी वे जो सम्राट अकबर थे उनके लिए भी गाया करते थे. हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो कि उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट. और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तानसेन पे जोर डाला कि वो आकर के उनके दरबार को ज्वाइन कर लें. तानसेन बिकेम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट. और तानसेन अकबर के कोर्ट में आकर के काफ़ी प्रसिद्ध हो गए. वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक. एक बार उनसे राग दीपक गाने के लिए कहा गया. तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ. तानसेन ने अपनी पुत्री और उसकी फ्रेंड से कहा कि तुम राग मेघ गाओ आफ्टर राग दीपक टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, क्योंकि राग दीपक के प्रभाव को कम करने के लिए राग मेघ का गाया जाना बहुत ज़रूरी था. तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556. तानसेन जो थे अकबर के कोर्ट में 1556 में गए थे. एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ अकबर. और शीघ्र ही अकबर के सबसे प्रसिद्ध और सबसे करीबी कोर्टियर्स में दरबारियों में वो गिने जाने लगे थे. अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट. अकबर कभी भी तानसेन को गाना गाने के लिए बुला लिया करते थे, चाहे दिन हो चाहे रात, वे कभी भी उन्हें बुला लिया करते थे. क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस. और कई बार तो वो छुपचाप तानसेन के घर पर पहुँच जाते थे जबकि तानसेन अपने घर में अपने गायन की प्रैक्टिस कर रहे होते थे, उसकी तैयारी कर रहे होते थे. ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स. उन्होंने उनको बहुत सारे उपहार भी दिए थे. सम ऑफ द कर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन. और इसी वजह से कुछ दरबारी ऐसे थे जो तानसेन से जेलसी फील करने लगे थे, उनसे जलने लगे थे. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज जॉइंड, दे डिक्लेयर्ड. हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि हम तानसेन को बर्बाद ना कर दें, ऐसा उन दरबारियों ने घोषणा कर दी. वन ऑफ द कर्टियर्स शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया. उन्हीं दरबारियों में से एक थे शौकत मियाँ जिनके दिमाग में एक बहुत ही शानदार विचार आया. लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सैड. चलिए हमको उसे राग दीपक गाने के लिए मजबूर करना चाहिए. हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन. दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि यह राग दीपक हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है. इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द ईयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेस. अगर राग दीपक को सही तरीके से गाया जाए तो वह हवा को इतना ज़्यादा गर्म कर देता है कि उसकी हवा की आग से जो सिंगर है वह जल करके राख में तब्दील हो जाता है और नष्ट हो जाता है. तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, क्योंकि तानसेन एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं. इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई. अगर वे राग दीपक गाएंगे तो वो निश्चित रूप से मारे जाएंगे. एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और इस तरीके से हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा. शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सैड. शौकत मियाँ अकबर के पास में गए और बोले, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर. हम नहीं मानते कि तानसेन एक बहुत अच्छा या महान गायक कलाकार है. लेट अस टेस्ट हिम, इसकी परीक्षा होनी चाहिए. लेट हिम टू सिंग राग दीपक. आप उससे राग दीपक गाने के लिए कहिए.
tell him to sing Ragdeepak. Only the greatest singers can sing it properly. केवल महान संगीतकार ही इस गाने को अच्छे तरीके से गा सकते हैं, इस राग को अच्छे तरीके से गा सकते हैं. ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, निश्चित रूप से वह ऐसे गा सकेगा. तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है, अकबर से अकबर ने कहा. तानसेन वॉज अपसेट, तानसेन बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुके थे. बट ही कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वे इसी के साथ साथ राजा की अवज्ञा भी नहीं कर सकते थे. वेरी वेल माई लॉर्ड, बहुत ठीक मेरे मालिक, ही सैड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं अपने आप को तैयार कर सकूँ. तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गए. ही सैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी, इससे पहले कभी भी वे इतने निराश और दुखी दिखाई नहीं दिए थे. आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस. मैं राग दीपक गा सकता हूँ, लेकिन जब मैं राग दीपक गाऊँगा तो जो इसकी गर्मी है न केवल वह दीपक को जला देगी बल्कि मुझे स्वयं को राख में तब्दील कर देगी, मुझे जला करके राख में तब्दील कर देगी. यह उसका इफेक्ट होगा राग दीपक का, ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी को बताया. देन ही हैड एन आइडिया, तब उनके दिमाग में एक विचार आया. इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, यदि कोई व्यक्ति उसी समय राग मेघ गा दे एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से उस राग को गाए, इट विल ब्रिंग रेन, तो वह बारिश ले आएगा. परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, शायद हमारी लड़कियां, डॉटर मेरी बच्ची सरस्वती और उसकी जो मित्र है रूपवती, वह ऐसा कर सकती हैं, उनका तानसेन का ऐसा कहना था. ही टोल्ड द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, और तानसेन ने निश्चित कर लिया कि वह उन दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाएगा, और उन्होंने इन दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाया. दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर टू वीक्स, उन्होंने दिन रात लगातार दो सप्ताह तक इसकी प्रैक्टिस करी, इसकी इसको गाने की तैयारी करी. तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, तुम्हें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि लैम्प जलना शुरू ना हो जाए, जब तक कि दीपक जलना शुरू ना हो जाए. एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और उसके बाद में तुम्हें राग में गाना शुरू कर देना है. बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों ही राग जो है योजना के अनुसार गाए गए. अकबर पनिश तानसेन एनिमीज, अकबर ने तानसेन के जो दुश्मन थे उन्हें पनिश भी किया. तानसेन डाइड इन 1585, तानसेन की मृत्यु 1585 में हुई. द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक, और वह महान व्यक्ति उस निश्चित दिन राग दीपक गाने के लिए अकबर के दरबार में पहुंचा, और उसे सुनने के लिए पूरा का पूरा कस्बा जो था वहाँ इकट्ठा हो चुका था, एकत्रित हो चुका था. वैन ही बिगैन टू सिंग, और जब उन्होंने गाना स्टार्ट किया, द एयर बिकम वार्म, तो हवा गर्म होने लगी. सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथेड इन पर्सपिरेशन, और शीघ्र ही जो सुनने वाले श्रोता थे वो पसीने में नहाने लगे. द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और जो पेड़ों पर लगे पत्ते थे वो सूख करके ज़मीन पे गिरने लगे. एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, और जैसे म्यूजिक आगे बसता रहा, बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगैन टू बॉयल, पक्षी जो है गर्मी की वजह से मरने लगे, और जो नदियों का पानी था वह उबलने लगा. पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शूट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटन्ड द लैम्प्स, जो लोग बाग वहाँ मौजूद थे घबराहट के मारे चिल्लाने लगे, और जो आग की ज्वालाएं थी अचानक से उठी और उन्होंने दीपक को जला दिया. एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग मेघ, और उसी समय सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू किया. द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड रैन कैम डाउन, आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी. तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन को बचा लिया गया. द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और कहानी आगे यह बताती है कि उसके बाद में तानसेन बहुत बीमार रहने लगे. एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर ने को खुद पे शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने सारी तकलीफ़ों की, उनकी जड़ तानसेन की वह स्वयं है. ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज, उन्होंने तानसेन के जो दुश्मन थे उनको सजा दी. व्हेन तानसेन गॉट वेल, और जब तानसेन
स्वस्थ हो गए। द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, द पूरे शहर में खुशियाँ छा गईं। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तानसेन अपनी मृत्यु पर्यंत तक अकबर के दरबार के गायक बने रहे, यानी 1585 तक वे अकबर के दरबार के गायक बने रहे। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने कुछ और नए राग भी तैयार किए। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, तानसेन की जो कब्र है वह ग्वालियर में बनाई गई है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, यह जो संगीतकार हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थल जैसा है। थैंक यू।